मेरी मम्मी को लग रहा था इस वीडियो में हम कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी मम्मी को ट्राई करने के लिए बैठा रहे जो दाल बनाने को मन नहीं आज कुरकुरे और चावल खाओ। कल सुबह से मुझे पराठा अचार और चॉकलेट सिरप देना नाश्ते में। बोर हो रहे हैं तो केचप और आटा घोल के खा। यही चल रहा है आजकल, सादा खाना खाने छोड़ दिया लोगों ने। पापा को फोन करके बता दे पहले सोनी फूड पॉइजन हो जाएगा, बता दे तुझे। हमें यह करना शुरू से बता दे पहले। अच्छा लगेगा तो हम थम्स अप करेंगे, बुरा लगेगा तो थम्स अप। सभी बुरे लगेंगे इस तो जब मैं बोलूंगी कि आज वीडियो में मेरी मम्मी तो आप बोलना, फिर बोलूंगा और यह पूजा तो बोलना है। ठीक है चलो कैमरा। Hi guys, welcome back to my channel, welcome back to yet another video. I hope you all are doing fine and I am back again with yet another fun challenge. और आज मेरे साथ इस चैलेंज के लिए है मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड पूजा। तो आज का चैलेंज होने वाला है वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस, और मेरी मम्मी को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वीडियो बनाने का मजा तभी आता है जब मम्मी को कुछ नहीं पता होता है। तो व्हाट द चैलेंज बेसिकली इज, हम लोगों ने इंटरनेट से, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स और गूगल से वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस निकाले हैं जो आजकल काफी ट्रेंड कर रहे हैं, और हम वही सारा अतरंगी खाना मिक्स करके खाने वाले हैं, और हम देखेंगे और रिव्यू करेंगे कि इसमें से कौन सा वाकई खाने लायक है और कौन से नहीं। तो आज हमारे पेट की तो बैंड बजने वाली है, क्योंकि जो लिस्ट है वो बहुत ही, ओ गॉड आई जस्ट कांट से इट आउट इन वर्ड्स, तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप लोग इस चैलेंज को एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। और हम लोग बहुत गर्मी में यहाँ शूट करने बैठे हैं, इसी बात पे इस वीडियो को जरूर लाइक करना और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो। नाउ विदाउट एनी फर्दर ब्लैबरिंग लेट्स जस्ट डाइव राइट इनटू द वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन है, जो कि हमारी पूजा मैडम ने बिल्कुल छांट छांट के निकाले हैं, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चाय, जो कि मेरी मम्मी की फेवरेट है, और कॉफी, जो कि मेरी फेवरेट है, बट ट्विस्ट ये है कि वो दोनों को मिक्स करके पीना है। बना के रखी हुई है और अब हम इन्हें मिक्स करके पियेंगे और हम बताएंगे कि ये कैसा है, और मेरी मम्मी टेस्ट करके बताएगी कि ये कैसा है। तो मम्मी बड़े से छोटे जाएंगे ना, आप हमारा झूठा तो खाओगी नहीं, हम आपका खा लेंगे। मैंने पहले ही बोला है मैं सबसे पहले कुछ तो झूठा पियोगी। दूसरा कप में डालना नहीं, मैं अब दूसरा कप लाने नहीं उठ रही। नहीं मैं पहले नहीं। मम्मी प्लीज ना, पीना तो इन्होंने नहीं पिया। बताओ कैसा कड़वा है, बहुत ज्यादा। पियोगी दोबारा? तूने चीनी नहीं डाली थी क्या? हो गया ना फिर तो पी। उसको स्वाद ही नहीं आएगा। तेरे को टेस्टी लग रहा है? बुरा है बट ऑब्वियसली बुरा है, पर ठीक ही है, मतलब जो बाकी ठीक है। नहीं भाई वैसा नहीं हुआ, जो ब्लैक होम में ऐसा लगा अजीब अजीब से काढ़े और वो पत्तों के कड़वा से आते हैं। तो हम इस वाले फूड कॉम्बिनेशन को मेरी साइड से तो थम्स डाउन है। तो जो हमारा सेकंड वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन है वो है हमारी फेवरेट मैगी और हमारी फेवरेट वेनिला आइसक्रीम, जो कि हम इकट्ठा मिक्स करके खाने वाले हैं। और सबसे पहले अगेन मेरी मम्मी ट्राई करके बताएगी कि मैं नहीं करूंगी, फिर आप हमारा झूठा नहीं खाओगे। थोड़ा सा मिक्स करूंगी गाइस ताकि वेस्ट ना हो। गल बनती भी है ना, तो अब मेरी मम्मी ट्राई करके बताएगी कि कैसा हो रहा है। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अरे इतना सारा मैं नहीं खाऊंगी यार, मम्मी इतना तो खाना खाऊंगी। नहीं मैं खिला रही हूं, नहीं मैं खिला रही हूं, नहीं मैं खिला रही हूं। One eternity later खा गो। नहीं लगा, नहीं लगा मुंह में, नहीं लगा, बेकार हो रहा है, बहुत गंदा। पूजा बताएगी, तू खा पहले, तू बताएगी पूजा। भाई मेरा तो फाइनल वर्डिक्ट है ना, देख अपने कितना कम बचा। चोर नहीं, नहीं मैं और मिक्स कर लूंगी, तू चिंता मत कर। आ कर मम्मी को मैंने पूरा खिलाया था, तू भी पूरा खा। मम्मी ने खा भी लिया। अच्छा आइसक्रीम अपने आप में खत्म हो जा रही है, मैगी बच रही है बस। चक मैगी बच रही है बस लास्ट में, बुरा नहीं। जो रिएक्शन आपने दिया वैसे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। सही है, सही है। दोबारा खा लेते भाई, ये वैसा हो रहा है पता है, मैं बताती हूँ। मीठे नूडल्स हो रहे हैं, मीठे चावल टाइप के, चीनी डाल के जो पोहा बनता है वैसा टेस्ट था इसका। मुझे तो ये अच्छा लगा, अगर कहीं मुझे मिलता है ये खाने को तो मैं खा सकती हूँ, कुछ बुरा नहीं है। सही में मैं दोबारा खा सकती हूँ इसको, मुझे तो अच्छा लगा। ठीक है मुझे अच्छा लगा, मेरी तरफ से हाफ थम्स अप था, कुछ ज्यादा खास नहीं था बट ठीक है। सो सो
नॉट दैट बैड, चाय कॉफी से तो बेहतर ही था। तो जो हमारा तीसरा वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन है दैट इज अ पीनट बटर एंड जेली सैंडविच विद सॉल्ट चिप्स। तो बेसिकली पीनट बटर एंड जैम सैंडविच तो बहुत लोगों का फेवरेट है, पर ये ट्विस्ट है कि उसके बीच में हमें जो सॉल्टेड चिप्स होते हैं उसको भी सैंडविच करना है। तो मुझे तो लगता है ये तो टेस्टी होगा, इसमें तो क्या ही बुरा हो सकता है। तो ये मैंने पीनट बटर एंड जेली एक एक साइड में लगा लिया, ज़्यादा बड़ा सैंडविच बनाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अब मैं इसमें चिप्स लगाऊंगी। मैं पहले खा लेती हूँ, फिर खाने लायक नहीं होगा। ये ठीक है ना? तो बोले ये चल जाएगा थोड़ा, ठीक है मैं खा सकती हूँ इसको। ठीक है, मतलब कुछ ना हो खाने के लिए तो खा सकती हूँ। आखिरी चीज अगर हो ये तो, अगर कुछ नहीं है और यही है तो मैं सिर्फ चिप्स और सिर्फ ब्रेड खा लूंगी, क्योंकि मुझे ना जैम पसंद है ना मुझे पीनट बटर पसंद है। ओके, मेरी साइड से नो है और इन दोनों की साइड से इट इज अ हाफ थम्स अप, मतलब सो सो। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉम्बिनेशन की तरफ जो है कच्चा आटा विद केचप। तेरा दिमाग खराब है, अभी शुरू कर दिया तूने ये? हाँ। तो सुनी उसको खाएंगे ऑब्वियसली, कच्चा आटा खाएंगे सुनी। हाँ मम्मी, नहीं सॉस में मिक्स करके। इसको मैं नहीं खाऊंगी, पहले मैं पागल नहीं हूँ, ये आटा खाऊंगी जो। तू पागल है, कितना है कुछ ला रही है। ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। चाकू से कैसे कच्चा आटा है? आपको आपको पता भी नहीं चला, मतलब स्वाद मतलब आप खाओगी इसे दोबारा? पागल थोड़ी हूँ। कितनी चालू है तू, खा इसको पूरा। बहुत बेकार था, इसको कभी ट्राई मत करना, मेरी तरफ से नो है। बड़ा वाला नो है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फूड कॉम्बिनेशन की तरफ जो कि बहुत ही टेस्टी है। हम खाने वाले हैं बनाना और सोया सॉस दोनों को आपस में मिक्स करके। पहली बार चखूंगी सोया सॉस अकेले खाली। हम तो रोज पीते हैं एक एक शॉट, थोड़ा तो लेना इतना कि आपको पता चले कि स्वाद कैसा है। इसको खाने के बाद बहुत गंदा है। हाँ तूने खाया? तूने नहीं खाया है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा पागल है क्या? तुझे अच्छा लग रहा है तो खा ले, पता नहीं समझ नहीं आया पर अजीब सा इतना कुछ ऐसा नहीं है, आराम का नहीं है पूरा का पूरा। ठीक है कुछ ऐसा नहीं है, नमक हो रहा है केले में बस, ये तो वैसे हो रहा है जैसे हम नहीं खाते वाटरमेलन में काला नमक डाल के, वैसा हो रहा है। मम्मी तो ना कुछ ज्यादा ही वो बन रही है, हाई सोसाइटी आंटी बिल्कुल हर चीज में। तो ये वाला फूड कॉम्बिनेशन मेरी तरफ से तो थम्स अप है, तो अच्छा था, मेरे को अच्छा नहीं लगा। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब हमारा नेक्स्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन है अचार यानी पिकल एंड मेल्टेड चॉकलेट और चॉकलेट सिरप। मिर्ची का अचार और इसमें हम डालने वाले हैं हर्शीज का चॉकलेट सिरप। ये मिर्ची बल्ली का पत्ता तो मैं बनूंगी। यार ये टेस्टी हो रहा है, ट्रस्ट मी पूरा। चॉकलेट डालने में कंजूसी कर दी तूने। सब अच्छा हो रहा है ना, तीनों की तरफ से थम्स अप है। कल से सब अपने अचार में चॉकलेट डाल के खाएंगे। ओके, सो जो हमारे नेक्स्ट दो फूड कॉम्बिनेशंस हैं वो राइस के साथ ही हैं। तो पहला हमारा है राइस एंड कुरकुरे, जो कुरकुरे का मसाला मंच फ्लेवर होता है, ऑरेंज वाला कुरकुरे। तो हमें इन दोनों को मिक्स करके खाना है। फिर नमकीन तोड़े खा दूंगा, स्वाद तो वही आएगा, कौन सा तोड़ के अलग हो जाएगा। और अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं पूरा। अच्छा है और खाना खा सकती हूँ बस। इसके बाद मम्मी अपने लंच में आज यही खाने वाली है, कुरकुरे और चावल। वैसे इसमें तो बुरा होने लायक कुछ था ही नहीं, क्या ही बुरा होता है इसमें, स्वाद हो रहा है वो। और खाने अभी थोड़ी देर में खा लूंगी। जब दाल ना बनी हो घर पे एकदम क्विक क्विक कुछ खाना है तो
कुरकुरे और चावल ही मिक्स करके खाओ, ये तो स्नैक भी बहुत बढ़िया है। टीवी देखते देखते कुरकुरे और चावल खा, शाम को ये खाएंगे। आज शाम को हम लंच में यही खाने वाले, दाल नहीं बनाई आज हमारी मम्मी ने। थम्स अप, थम्स अप, डबल थम्स अप। नेक्स्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन है केचप एंड राइस। केचप के साथ है, मुझे तो केचप राइस ही नहीं पसंद। सही है भी। ये सही कैसे है? इतना ज्यादा बुरा नहीं है जैसे वो आटा और वो खिलाया था, उससे तो अच्छा। खा सकते हो इसको आप? मीठे चावल थम्स डाउन आपकी तरफ से। आधा आधा था, बहुत ही बुरा। आधा आधा था, बहुत ही बुरा, बहुत ही ज्यादा बुरा है। आप लोग कमेंट्स में बताना आप लोग केचप वाले हो या बिना केचप वाले। मतलब कुछ होते हैं ना, हर चीज में केचप खाते हैं। थम्सअप नहीं करा, थम्सअप नहीं किया, करो थम्सअप। कर तो दिया, टोमेटो केचप बोला तो गंदा है आपने बोला। आधा आधा। तो अब हमारा नेक्स्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन है लेस, सॉल्टेड चिप्स एंड हर्शीज सिरप। जी जी। अच्छे खासे चीजों को क्यों खराब कर दे रही है? देखो अभी इसमें से अभी आपको जिंदगी में पता चलता कुरकुरे और चावल एक साथ अच्छे लगते हैं? ऐसी मम्मी गिर रही है चॉकलेट, फिर बोलोगे मेरी टी शर्ट खराब कर दी। लीची का टेस्ट आ रहा चॉकलेट का है, मुझे कह रही फिर तो मुझे दो खिला दो। सॉल्ट तो डालते ही है, उसकी वजह से चॉकलेट का फ्लेवर और एनहांस हुआ है और चिप से क्रंची सा बेस मिल गया, तो ओवरऑल मस्त हो रहा था। अभी हम इसके बाद यही खाने वाले हैं। थम्स अप। आधा आधा ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन की तरफ जो कि है केचप एंड चॉकलेट। मैं नहीं खाऊंगी इसको। हाँ। और उससे पहले यही बोल रही है मेरे को कुरकुरे और चावल खिला दे तब। बस बस पूछा 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 पूछा। मतलब पूजा ने सोचा कि अभी मेरे हाथ पड़ा है तो केचप का स्वाद मैं गायब ही कर दूंगी। इसका बहुत जाना पहचाना स्वाद लग रहा है। गोले का काला खट्टा ऐसा नहीं होता है, खा के देख तू एक बार। खट्टा नमक चॉकलेट मीठा सब हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है। हाँ बुरा मतलब अच्छा तो नहीं हो रहा है, पर पता नहीं मुझे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा फैमिलियर लगा। नो अब हमारे नेक्स्ट जो दो वियर्ड कॉम्बिनेशन है वो है पॉपकॉर्न के साथ। पहला है पॉपकॉर्न एंड केचप, दूसरा है पॉपकॉर्न एंड मार्शमेलो। मम्मी का फेवरेट मार्शमेलो के साथ। मेरी मम्मी का बहुत पुराना एकदम गहरा और अच्छा रिश्ता है। अच्छा शुरू हुआ होगी। सबसे पहले मम्मी खाली इतना बड़ा। अरे खाली, अरे इसको खाने होगा, कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं खाने होगा। कैरेमल जैसे पॉपकॉर्न लगेंगे शायद, क्योंकि मीठा है शायद। कैसा इसमें क्या ही बुरा होगा बता। पॉपकॉर्न तो अच्छे थे, वो अच्छा नहीं होगा। वो तो मम्मी को वैसे भी बहुत पसंद है, पता नहीं सब अपने में अलग अलग हो गया। दोनों का सेपरेट टेस्ट आ रहा था, मतलब बुरा नहीं है। अगर दोनों साथ में मिक्स करके भी मिलेंगे तो मैं तो खा लूंगी। इट इज अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। थम्स अप, इट वाज ओके इश। मैं खुद खाऊंगी, मैं खुद खाऊंगी। बुरा मुझे तो केचप ही नहीं पसंद। ठीक है। मम्मी ये क्या है बता। आधा आधा मुड़ नहीं रहा है, मतलब आपका अंगूठा मुड़ नहीं रहा है। ज्यादा अच्छा भी नहीं है, ज्यादा गंदा भी नहीं है। तो सो मेरी तरफ से तो बहुत ही ज्यादा बुरा, डबल थम्स डाउन। अभी हमारा जो बच्चा है वो है ओडियोज एंड डोरिटोज। ओके तो ये दोनों ही मेरे तो फेवरेट है, मेरे ख्याल से अच्छे ही लगने चाहिए, क्या ही बुरा लगेगा इसमें। चॉकलेट क्रीम वाला ओडियो सब लोग एक एक निकालो। ठीक है, इसको हमने सेंटर से ऐसे खोल लिया है, अब इसमें हम सेंटर में रख देंगे डोरिटोज। मम्मी निकालना डोरिटोज, खोलना। अरे डोरिटोज को कंफ्यूज नहीं हो गई, ओरियो की खुशबू नाक में घुस गई। ये है हमारा नाचो चीज फ्लेवर, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर डोरिटोज है, और ये ओरियोज भी मेरा फेवरेट फ्लेवर है। अब हम इन दोनों को साथ में खाने वाले हैं। जी यार ओरियो इतना अच्छा बिस्कुट नाश मार दिया।
और बखर हर बखर मगर खो नहीं देगा आलू को कदर जल्दी में ओरियो खाने ओरियो ही आ रहा है और बिकॉज नाचो में नमक है उसकी वजह से चॉकलेट का फ्लेवर और इन्हांस होके आया है और डोरिटो अलग से इसे टेस्ट में नहीं आ रहा है ओरियो ने ओवर पावर कर दिया चीज का टेस्ट आया अच्छा रहा है साथ में अब अगला हम ये भी खाने वाले हैं अभी आज हमें हमारे फेवरेट स्नैक ऑप्शंस मिल चुके हैं ये थम्स अप फ्रॉम माय साइड तीनों की तरफ से तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन की तरफ वेनिला आइसक्रीम जो कि अब अच्छे से मेल्ट हो गई है और इसको हम खाने वाले हैं सोया सॉस के साथ बर्बाद मत तो मैंने देखा इंटरनेट पे ये लोग आजकल काफी ट्राई कर रहे हैं और बोलते हैं कि इसको अगर मिक्स कर देते हैं साथ में तो इसका टेस्ट ना सॉल्टेड कैरेमल वाली आइसक्रीम की तरह आता है ऐसा मैंने सुना है कलर तो कॉफी फ्लेवर जैसा लग रहा है कैपेचिनो जैसा कलर है इसका पूरी आइसक्रीम वेस्ट करने का मन नहीं था तो यही तू ट्राई कर मतलब ठीक वो तो बेकार नहीं रहा बेकार है रोग मुझे लगता है अगर इसमें आइसक्रीम थोड़ी और होगी तो अच्छा हो सकता है ना अभी थोड़ा नमक ज्यादा लग रहा था और ये एक्चुअली सॉल्टेड कैरेमल लग रहा है पूरा डाल दे कटोरी में डाल दे अरे मम्मी बहुत टेस्टी हो रहा है बहुत टेस्टी तक के देखो बहुत ज्यादा टेस्टी है पहले चखाओ अगर इसको आप सही क्वांटिटी में डालते हो वेनिला आइसक्रीम और सोया सॉस तो बहुत टेस्टी है ये एक्चुअली सॉल्टेड कैरेमल आइसक्रीम की तरह टेस्ट कर रहा है तो मेरी तरफ से तो ये बिग थम्स अप है तो इसी के साथ हमारे सारे वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस की लिस्ट खत्म होती है हमने सारे फूड कॉम्बिनेशंस ट्राई किए और कुछ कुछ तो काफी अमेजिंग थे अनएक्सपेक्टेडली और कुछ कुछ बहुत ही ज्यादा बकवास थे स्पेशली वो केचप और आटा वो तो बहुत बुरा अगर तुझे अपने टॉप टू बताने हो तो कौन से होंगे और आप भी सोचो वनीला आइसक्रीम और सोया सॉस और चिप्स और ये हर्शीज अब भी खाने वाली हूँ कुरकुरे और चावल मैं अभी बेटे बंद होते खाने वाली है और तो मेरे को कुछ इतना अच्छा नहीं लगा उतने सालों में से एक अच्छा लगा बस और याद नहीं है क्या जब हमने वीडियो कल शूट की थी ना मम्मी भूल गई कि हमने क्या क्या खाया था तो अगर मुझे अपने टॉप टू पिक करने हो तो चावल और कुरकुरे ऑब्वियसली वो तो बहुत टेस्टी ये मुझे बहुत सारे पसंद है चावल कुरकुरे बहुत टेस्टी था हर्शीज और ये सॉल्टेड लेस बहुत टेस्टी था फिर डोरिटोज और ओरियोज बहुत टेस्टी था फिर ये ब्रेड भी अच्छा लगा था मेरे को वैसे दो में आ गया चावल और कुरकुरे और ब्रेड हाँ मम्मी को पीनट बटर और चिप्स वाला सैंडविच अच्छा लगा था मुझे तो अच्छा नहीं लगा बट हाँ सॉल्टेड कैरमल जो आइसक्रीम बनी थी वो भी टेस्टी थी बट क्योंकि मुझे स्वीट उतना ज्यादा नहीं पसंद तो मैं ठीक है पर ये चार चीजें काफी टेस्टी थी इट इज एक्चुअली वर्थ ट्राइंग और मुझे पॉपकॉर्न और मार्शमेलो भी बहुत अच्छा लगा था हाँ यही सब मुझे अच्छा लगा था बाकी वाले अच्छे नहीं लगे मोस्टली सब अच्छे लगे हाँ मोस्टली हाँ मतलब हाफ ऑफ देम वर रियली टेस्टी इट इज वर्थ ट्राइंग मतलब आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे दिमाग में कभी नहीं आएंगे कि हम इन्हें साथ में खाते हैं बट इस चैलेंज की वजह से हमें पता चला कि हाँ वी शुड एक्सप्लोर तो काफी सारे हमें टेस्टी पिक्स मिले हैं जो अब हम इस वीडियो के एंड होते ही खाने वाले सब लोग अपने अपने पैकेट्स पकड़ने वाले हैं तो ये वीडियो मैं इसी के साथ यहीं पे एंड करती हूँ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज गिव दिस वीडियो थम्स अप मम्मी कह रही है डिसलाइक कर दो सब लोग इस वीडियो को लाइक करो प्लीज कमेंट करके बताना इफ यू वांट मी टू डू एनी अदर फन चैलेंज वीडियोस और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो नाउ आई सी यू सुपर सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय मैं फ्रेम के बाहर जा रही हूँ मैगी खाने के लिए अगर यहाँ बेहोश हुए तो उन्हें कैमरा में देख के पता चली जाएगा कि पोस्ट कौन करेगा जब तू बेहोश जाएगी तो
अबे मैं बेहोश हो जाऊंगी तो मेरे चैनल थोड़ी चलेगा क्या पोस्ट, कैमरा खोल के तो देख ही लेंगे पापा, देखेंगे पापा कैमरा। तेरे को वो करने के बजाय कैमरा खोलेंगे पहले हैं। तो क्या क्या कर रहे ऐसा क्या कर रहे ऐसा क्या करा इन लोगों ने कि ये तीन के तीन एक साथ गए। एडिट कर दूंगी। क्या हो गया मम्मी, लोगों के घर में भी होते हैं स्टील के ग्लास। बाद में कभी तो दिखाया अच्छा सा। चल आज बेटा।